12.2 में फर्स्ट क्वेश्चन अनबाउंडेड रीजन पे है, इसीलिए आपने वो डिलीट कर देना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन पे क्रॉस लगा देना. देन सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे. अब फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या है? देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको डायरेक्ट इक्वेशंस जो हैं वो दे रखी थी, यानी इनइक्वालिटीज आपको दे रखी थी, एंड देन आपने उसको इक्वेशंस में कन्वर्ट किया, ग्राफ बना दिए. बट यहाँ पे सेकेंड एक्सरसाइज में आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, इनइक्वालिटीज भी बनानी पड़ेंगी. सो उसके लिए आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन आपको लिमिट्स चेक करनी पड़ेंगी. सो एक क्वेश्चन में पूरा फुल फ्लेजेड आपको समझाऊंगी, बाकी क्वेश्चन के इक्वेशंस तक मैं आपको समझाऊंगी, बट ग्राफ्स आप खुद बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो. ग्राफ्स वाला पोर्शन बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज का है. एक क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेजेड समझाती हूँ. सो आपके पास यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम्स ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम्स ऑफ फैट. यानी एक केक है, एक काइंड का केक है, यानी यहाँ पे केक की भी कैटेगरीज है. सो एक कैटेगरी जो है उसमें 200 ग्राम्स फ्लोर चाहिए एंड 25 ग्राम्स फैट चाहिए, और जो दूसरा अनदर काइंड ऑफ केक है उसमें 100 ग्राम्स फ्लोर चाहिए एंड 50 ग्राम्स फैट चाहिए. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लावर एंड 1 kg ऑफ फैट, assuming that there is no shortage of other ingredients used in making the cakes. अब देखो, यहाँ पे आपको जब केक का बता रखा है कि एक कैटेगरी के लिए दो चीजें आपको दे रखी हैं जिनकी मेजरमेंट, एक फ्लोर की और एक आपके पास फैट की. सो 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट पहले के लिए चाहिए, और दूसरे केक के लिए 100 ग्राम्स एंड 50 ग्राम्स ऑफ फैट चाहिए. आपको यहाँ पे टर्म दे रखी है मैक्सिमम नंबर. मैक्सिमम नंबर यानी आपको यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है, जो आपको जैसे पिछली एक्सरसाइज में दिया होता था कि मैक्सिमम निकालिए, मिनिमम निकालिए, तो यहाँ से आपने खुद जज करना है. तो यहाँ यानी मैक्सिमम निकालना है, इतना आपको समझ में आया. फिर आपको लिमिटेशन, जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में बात करते थे कि कंस्ट्रेंट्स दिए होते थे हमें, तो यहाँ पे वो जो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो लिमिटेशन है, वो सेंटेंस की फॉर्म में दी गई है. जैसे कि 5 kg ऑफ फ्लावर आपके पास मैक्सिमम है और 1 kg ऑफ फैट आपके पास मैक्सिमम है. यानी जो आप पहला केक बना रहे हैं, अगर उसमें 5 kg में से 200 ग्राम्स यूज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम आपके पास 5 kg ही है, आप इस लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते हैं. तो ये समझना पड़ेगा कि ये आपका कंस्ट्रेंट है. ओके, सो अभी इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखो. यहाँ पे मैंने दो कैटेगरीज बना ली हैं, एक केक वन कैटेगरी है, केक टू. आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटर रहेगा आपको भी समझने में और टीचर को भी समझने में. सो यहाँ पे केक वन, आपके पास केक के लिए दो एस्पेक्ट्स दे रखे हैं, एक फ्लावर एक फैट. सो केक वन में बात करें तो फ्लावर 200 ग्राम्स बोला है, फैट 25 ग्राम्स बोला है. केक टू में फ्लावर 100 ग्राम्स बोला है और फैट 50 ग्राम्स बोला है, ठीक है. और जो आपको मैक्सिमम बोला है यहाँ पे कि कितना एटमोस्ट आपको यूज करना है, तो 5 kg फ्लावर एंड 1 kg फैट. अब देखिए, यहाँ पे केजीज में दे रखा है, बट जो आपको ये डायमेंशन हैं ये तो आपको ग्राम्स में दे रखी हैं. तो हम एक ही यूनिट रखेंगे हमेशा, दो दो अलग अलग यूनिट्स नहीं रखनी है. सो हमें, क्योंकि फ्लावर की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5 kg दे रखी है, सो हमने 5 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, इट विल बी 5000 ग्राम्स. ऐसे ही जो फैट है उसकी मैक्सिमम लिमिट हमें 1 kg दे रखी है, सो उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 grams. यानी ये जो है हमारे पास 5000 grams एंड 1000, ये हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है, हम इससे ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है. अब आपको पूछा क्या था यहाँ पे कि आप फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, कितने केक्स आप बना सकते हो, ठीक है. अब केक की तो दो कैटेगरी है. मान लीजिए सबसे पहले हमें सपोज करना पड़ेगा कि जो केक वन की कैटेगरी है, मान लीजिए वो एक्स नंबर ऑफ केक्स बने, और जो केक टू कैटेगरी है वो वाई नंबर ऑफ केक्स बने. अब इन क्वेश्चंस में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है, और एक दूसरा आपको सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट पता होने चाहिए. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या,
कि आपको निकालना क्या है. जैसे इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स निकालने हैं, यानी आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था हम जेड से डिनोट करते हैं जो भी मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है. सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, जेड मैक्स. ठीक है, अब जेड मैक्स आएगा कैसे, जितने भी केक वन के कैटेगरी के केक्स होंगे और जितने केक टू के कैटेगरी के केक्स होंगे, इन दोनों को मिला के ही मैक्सिमम बनने वाला है. यानी नंबर ऑफ केक्स जो फर्स्ट कैटेगरी है प्लस नंबर ऑफ केक्स जो सेकंड कैटेगरी है, दोनों को मिला के आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बनने वाला है. सो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया. अब बात आती है कंस्ट्रेंट्स की. अब कंस्ट्रेंट कुछ ऐसा दे रखा है कि सबसे पहले हम फ्लावर की बात करते हैं. फ्लावर देखिए, आपको 200 grams जो है वो आप एक केक बनाने में फ्लावर यूज करोगे, बट अगर आपको एक्स केक बनाने हैं तो कितना यूज करोगे, 200 × x. ठीक है, प्लस सिर्फ फ्लावर तो यूज करना नहीं है, फैट भी यूज करना है. तो फर्स्ट कैटेगरी में 25 grams फैट यूज करोगे एक केक बनाने के लिए, बट हमें अगर एक्स बनाने हैं तो 25 × x होगा. ठीक है, सो यहाँ पे जो मैं फर्स्ट वाला है वो क्योंकि फ्लावर वाला ले रही हूँ तो मैं फ्लावर वाला दोनों का ले लूंगी. सो 200 grams जो है एक्स आपने फ्लावर लिया, और यहाँ पे 100 grams जो है वो क्या लिया यहाँ पे, वाई, क्योंकि आपका दूसरा केक जो है वो वाई कैटेगरी का है. सो 100 grams इंटू वाई नंबर ऑफ केक्स, सो प्लस 100y. अब दोनों को मिला के, दोनों के फ्लावर को मिला के आप कितना फ्लावर यूज कर सकते हो, आप 5000 grams ही यूज कर सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम. सो फर्स्ट केक में 200 grams यूज कर लिया, दूसरे केक में आपने 100 grams यूज कर लिया, और साथ में हमने एक्स एंड वाई से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारी वो क्वान्टिटीज है. ठीक है, सो ये लेस देन इक्वल टू 5000 grams ही हो सकता है, क्योंकि या तो 5000 से कम हम यूज कर सकते हैं या फिर इक्वल टू 5000 यूज कर सकते हैं. तो ये हमारा फ्लावर का कंस्ट्रेंट हो गया. सिमिलरली हम फैट का कंस्ट्रेंट देखेंगे. हमारे पास 25 grams फैट है, सो 25 grams एक्स नंबर ऑफ केक्स में लगेगा, तो 25x, एंड 50 grams वाई नंबर ऑफ केक्स में लगेगा, प्लस 50y, लेस देन इक्वल टू कितना है मैक्सिमम लिमिट, 1000 ग्राम. 1000 ग्राम से ज्यादा फैट नहीं यूज कर सकते, सो लेस देन इक्वल टू 1000. सो बेसिकली ये आपके दो कंस्ट्रेंट हो गए, एक फ्लावर का एक फैट का. अब ये कंडीशन आपने हमेशा लिखनी है, ये अपने आप से लिखनी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि आप x नेगेटिव नहीं ले सकते हो, आप y नेगेटिव नहीं ले सकते हो, वो नंबर ऑफ केक्स है. तो ये आपने खुद अपने आप से ऐड करना है. ठीक है, अब आपके कंस्ट्रेंट्स भी बन गए हैं, आपका ऑब्जेक्टिव भी बन गया है. अब क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है. अब ग्राफ के लिए इक्वेशंस चाहिए, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले तो इन इनइक्वालिटीज को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं. सो यहाँ पे टू ड्रॉ द ग्राफ वी मस्ट कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी. मैंने बिल्कुल वैसे लिखा है जैसे आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है. तो जितना अभी तक जैसे जैसे लिखा है ऐसे ही आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे. सो फर्स्ट जो आपकी इनइक्वालिटी थी, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, हमने उसको इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया. अब बहुत बड़ी इक्वेशन है, हम इसको छोटा कर सकते हैं, तो हमने डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो आपके पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 50 आ गई. अब पॉइंट्स निकालने आपको आते हैं, x अगर यहाँ पे 0 डालेंगे y 50 आ जाएगा, अगर x यहाँ पे 25 डालेंगे y 0 आ जाएगा, ये आपके पॉइंट्स आ जाएंगे. और जो दूसरी इक्वेशन थी 25x प्लस 50y इज इक्वल टू 1000, यहाँ पे इसको भी हम छोटा कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को 25 से डिवाइड कर देंगे, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 आ गया. अब यहाँ पे भी दो दो पॉइंट्स निकालने हैं, अगर हम x 0 डालते हैं तो y 20 आ जाएगा, अगर यहाँ पे x 40 डालते हैं तो y 0 आ जाएगा. ठीक है, तो पॉइंट्स निकाल दिए. अब पॉइंट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. तो सबसे पहले हम 2x प्लस y इज इक्वल टू 50 ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, हमारे पास एक तो 0 और 50 है, सो 0, 50 ये आ गया. देन 25 एंड 0 है, सो 25 एंड 0 आपके पास यहाँ आ गया. ठीक है, ये 25 है, आपने ज्वाइन की या आपने एरो लगाया, आपने इक्वेशन लिख दी कि ये इक्वेशन. दूसरा,
एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 40, ये दोनों पॉइंट्स थे 0, 20, 40, 0, सो 0 एंड 20, ये आपके पास आ जाएगा 40 एंड 0, ये आ जाएगा, दोनों को ज्वाइन किया आपने, यहाँ पे एरो लगा के इक्वेशन लिख दी इस इक्वेशन के बारे में। अब इक्वेशन जब हम प्लॉट कर लेते हैं उसके बाद होता है हमारा फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन कैसे चेक करना है, जैसे हम 0 0 वैल्यू पुट करके डालते हैं, चेक करते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन थी ये वाली, 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल टू 400, हमने x की जगह 0 डाला, y की जगह 0 डाला, 0 इज लेस देन 5000, सो ये कंडीशन ट्रू है, यानी जो आपकी ये लाइन जा रही थी इस लाइन के इधर जो है वो शेड हो सकता है, इस लाइन के नीचे शेड हो सकता है। ओके सो आपके पास, सॉरी यहाँ आपके पास शेड हो सकता है, उधर नेगेटिव चला जाएगा यहाँ पे। अब 25 प्लस 50y लेस देन 1000, ये आपके पास था, यहाँ पे भी x पे 0, y में भी 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1000 हो गया, अगेन ये कंडीशन ट्रू आ गई, यानी जो ये लाइन जा रही है इसके भी नीचे नीचे आप शेड कर सकते हो इस लाइन के। अब दोनों में देखो कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये जो शेड कर रखा है ये आपका कॉमन पोर्शन, सो ये आपका फिजिबल रीजन हो गया, यानी आपके जो पॉइंट्स हो गए वो कौन से हो गए, एक तो ओ हो गया 0,0, ए हो गया 0,20, सी आपके पास 25,0 था, और ये बी पॉइंट भी इंटरसेक्शन ग्राफ से भी पता लग जाएगा आपको 20,10। अगर ग्राफ से नहीं पता लग रहा है तो आपको पता है एलिमिनेशन मेथड मैंने लास्ट एक्सरसाइज में सिखाया था, आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। सो अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है हम इनको लिख लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आपके ओ ए बी सी कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये हमने उनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब आ जाते हैं जेड पे, जेड हमारी इक्वेशन क्या बनाई थी हमने, यहाँ पे जेड मैक्स क्या निकालना था, एक्स प्लस वाई, तो वही इक्वेशन लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो आपके पास यहाँ पे जब एक्स और वाई की जगह 0 डालोगे तो 0 आ गया, यहाँ पे एक्स की जगह 0 वाई की जगह 20 तो आपके पास 20 आ गया, यहाँ एक्स की जगह 20 वाई की जगह 10 तो आपके पास 30 आ गया, एक्स की जगह 25 वाई की जगह 0 तो आपके पास 25 आ गया। अब क्योंकि आपको मैक्स निकालना था तो मैक्स तो यहाँ पे 30 पे आ रहा है, अब 30 में आप देखोगे कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, 20 और 10, यानी x कोऑर्डिनेट 20, y कोऑर्डिनेट 10। x हमने किसको बोला था, नंबर ऑफ केक्स जो फर्स्ट कैटेगरी के हैं, और y नंबर ऑफ केक्स जो सेकंड कैटेगरी के हैं। सो आपके पास यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 20 केक्स जो हैं वो फर्स्ट काइंड के हैं, एंड जो 10 केक्स हैं वो सेकेंड काइंड के हैं। ओके आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है पूरा समझ में आया होगा। देखो यहाँ से तो हमने वही किया है जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर रहे थे, सेम प्रोसीजर है, कुछ एक स्टेप भी इधर से उधर नहीं है। इससे पहले फर्क क्या था कि ये हमें पूरा का पूरा बनाना पड़ा, ये हमें दिया नहीं हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है पिछले क्वेश्चन की एक्सरसाइज की तरह, यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये 4 to 6 मार्क्स में आपके आता है, एंड कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़नी है, इजीली आप बना पाओगे। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें थोड़ी सी लग रही होगी, बट अभी मैं आगे करती हूँ आपके, अब देखना आप एंड तक, आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि कितनी आसान ये इक्वेशंस बन जाती है। सो अभी सेकेंड क्वेश्चन हमने कर दिया है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। अब देखो यहाँ पे दो कैटेगरीज हमें पता लग गई हैं, एक टेनिस रैकेट की है और एक क्रिकेट बैट की है। अ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम। अब किन बेसिस पे उन्हें चेक कर रहे हैं, मशीन टाइम पे और क्राफ्ट्समैन टाइम पे। सो साथ साथ में मैं आपको बताती भी रहती हूँ इंफॉर्मेशन कैसे लिखनी है। दो कैटेगरी थी, टेनिस एंड क्रिकेट, हमने लिख दी, दो एस्पेक्ट थे उनके, एक मशीन टाइम एक क्राफ्ट्समैन टाइम, दोनों लिख दिया। अब दोनों के एस्पेक्ट लिखिए, देखिए 1.5 आर मशीन टाइम था और 3 आर क्राफ्ट्समैन टाइम था इन इट्स मेकिंग, किसके, टेनिस रैकेट की मेकिंग में, तो हमने उसकी मेकिंग में लिख दिया 1.5 आर मशीन टाइम और 3 आर क्राफ्ट्समैन टाइम। अब क्रिकेट का देख लेते हैं, क्रिकेट का क्या दे रखा है, क्रिकेट में आपको बोला है 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 1 आवर ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 आवर मशीन टाइम 1 आवर क्राफ्ट्समैन टाइम। देन आपको बोला है इन अ डे द फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन
42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 24 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम. सो फैक्ट्री में 42 आवर्स मशीन टाइम से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, यानी ये आपकी लिमिट आ गई. सो मशीन टाइम की बात करें तो एटमोस्ट 42 आवर आ सकते हैं, और दूसरा 24 आवर क्राफ्ट्समैन टाइम में एटमोस्ट आ सकते हैं. तो 24 आवर क्राफ्ट्समैन टाइम एटमोस्ट है आपका, ठीक है. नेक्स्ट, आगे आपको दिया है व्हाट इज द नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी. एक तो आप नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स आपको निकालने हैं, वो बताना है. दूसरा आपको बोला है प्रॉफिट ऑन द रैकेट एंड ऑन द बैट. रैकेट और बैट पे देखिए, रैकेट पे ₹20 का प्रॉफिट है, बैट पे ₹10 का प्रॉफिट है. सो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री आपको बताना है, ठीक है. अब प्रॉफिट की बात की है तो वो आस्पेक्ट भी लिख लेते हैं. 20 टेनिस बैट पे, टेनिस रैकेट पे और क्रिकेट पे ₹10 का प्रॉफिट है, ठीक है. अब इसको लिखेंगे कैसे, ये इंफॉर्मेशन तो हमने सारी लिख दी. अब बात आती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है और हमारे सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट क्या है. सो हमारे पास देखिए, क्योंकि हमें टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट के नंबर ऑफ भी निकालने हैं, सो हम लेट नंबर ऑफ टेनिस रैकेट्स एक्स एंड लेट नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स वाई. अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स बनानी है, तो यानी कि हमें जेड मैक्स निकालना है. अब प्रॉफिट कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे एक बैट पे हमें ₹20 का प्रॉफिट बनता है. सो अगर हमारे पास, सॉरी रैकेट है, अगर हमारे पास एक्स टेनिस रैकेट्स है तो 20x हो जाएगा, और एक बैट पे ₹10 का प्रॉफिट है. अगर हमारे पास वाई क्रिकेट बैट्स हैं तो 10y बनेगा. तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमम हम कैसे निकाल सकते हैं, 20x प्लस 10y, इन्हीं का निकालना है हमें. और अब कंस्ट्रेंट की बात कर लेते हैं. कंस्ट्रेंट में आप क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले 1.5 आर टेनिस में ये मशीन टाइम है, 1.5 आर एक टेनिस रैकेट पे, और एक्स टेनिस रैकेट्स पे 1.5 × x. और यहाँ पे क्रिकेट पे देखिए 3 आर एक पे है, सो वाई में कितना होगा 3y, और एटमोस्ट कितना है 42, यानी 1.5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू कितना 42 आर. तो वही लिखा है 1.5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 42. ये आपका मशीन टाइम कंस्ट्रेंट है. अब आपका क्राफ्ट्समैन टाइम की बात करें तो 3 × x होगा प्लस 1 × y होगा, और लेस देन इक्वल टू क्या होगा 24. सो यहाँ पे 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 24, ये आपका क्राफ्ट्समैन टाइम कंस्ट्रेंट है. और तीसरी कैटेगरी जो आप खुद लिखते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं. अब इतना ही है जो आपको आना चाहिए, इतना हो गया, तो इसके बाद जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सेम वही करना है. सो ग्राफ नहीं मैं बना के दिखा रही, ग्राफ आप खुद बनाएंगे. आपने इस इक्वेशन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, पॉइंट्स निकालने हैं, प्लॉट करेंगे. ऐसे ही इस इक्वेशन को भी इक्वालिटी में कन्वर्ट करके पॉइंट्स निकाल के आप प्लॉट करेंगे. प्लॉट करने के बाद आपको पता है आपने शेड करना है रीजन, शेड कर देंगे तो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे. कॉर्नर पॉइंट से आपने जेड मैक्स निकाल देना है, जो भी मैक्सिमम आएगा वो आपने लिख देना है. ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा हो. सो नेक्स्ट, सो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन. अब ये ग्राफ आप खुद बनाएंगे, इतना ही मत छोड़ देना, ग्राफ भी पूरा बनाना है, देन जेड मैक्स निकालना है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स. नट्स एंड बोल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 आवर ऑन मशीन बी. अब देखो मेन कैटेगरी क्या है, नट्स एंड बोल्ट्स. तो हम पहले लिख लेते हैं नट्स एंड बोल्ट्स, और हमें दो मशीन्स के बारे में बोला है, तो एक आस्पेक्ट मशीन ए है, एक आस्पेक्ट मशीन बी है. अब क्या आगे है, साथ साथ में लिखते जाएंगे. जैसे जैसे इन्होंने बोला है 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए, 3 आवर्स ऑफ वर्क ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स. नट्स के लिए यहाँ पे 1 आवर मशीन ए का है, 3 आवर मशीन बी का है, ये नट्स कैटेगरी का है, ठीक है. देन आपको बोला है इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 1 आवर मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट.
तो अब बोल्स की कैटेगरी में बोला है 3 आर्स मशीन ए को लगते हैं, 1 आर मशीन बी को लगते हैं बोल्स की कैटेगरी बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 17.50 रुपीज पर पैकेज ऑन नट्स एंड 7 रुपीज पर पैकेज ऑन बोल्ट। तो प्रॉफिट भी लिख लेते हैं हम, प्रॉफिट 17.50 नट्स पे और बोल्ट पे ₹7। नेक्स्ट, हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है यानी आपको जेड मैक्स निकालना है। इफ ही ऑपरेट्स द मशीन फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स अ डे, 12 आवर्स से ज्यादा वो ऑपरेट नहीं कर सकता। तो कंस्ट्रेंट क्या है दोनों मशीन्स का, 12 आवर्स, एटमोस्ट 12 आवर्स, ठीक है। अब क्योंकि नट्स एंड बोल्ट बनाने हैं तो वही पहले, लेट द नंबर ऑफ पैकेज ऑफ नट्स एक्स, नंबर ऑफ पैकेज ऑफ बोल्ट्स वाई। नेक्स्ट काम होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना। आपने देखा हमें मैक्सिमम निकालना है तो जेड मैक्स निकालेंगे। अब मैक्सिमम कैसे करेंगे, एक पे अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है तो एक्स नंबर ऑफ नट्स पे कितना होगा, 17.50 इंटू एक्स, और एक बोल्ट पे 7 रुपीज हो रहा है सो वाई बोल्ट पे कितना होगा, 7 इंटू वाई। तो अगर 17.50 एक्स प्लस 7y कर दें तो दोनों को मिला के हमारा मैक्स ही तो निकलेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। देन हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रेंट वही, पहले हम मशीन ए का देखेंगे देन मशीन बी का देखेंगे। सो मशीन ए का देखें, 1 आवर जो है वो एक नट बनाने में लगता है तो एक्स नट्स में 1 इंटू एक्स। ऐसे ही 3 आवर एक बोल्ट बनाने में लगता है सो 3 इंटू वाई, वाई बोल्ट्स बनाने में लगेगा। और ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम दे सकते हैं, 12 आवर्स। एटमोस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेस देन इक्वल टू, तो यानी कि एक्स प्लस 3 वाई लेस देन इक्वल टू 12। ये क्या है, मशीन ए का कंस्ट्रेंट है। और अब जब मशीन बी का कंस्ट्रेंट अगर हम देखें तो देखिए 3 आवर्स हमें नट्स बनाने में लगते हैं यानी 3x, प्लस 1 आवर बोल्ट बनाने में 1y, एंड एटमोस्ट यानी लेस देन इक्वल टू फिर से 12। तो 3x प्लस 1y लेस देन इक्वल टू 12, ये हमारा मशीन बी का कंस्ट्रेंट है। और तीसरी कंडीशन हम जो खुद से लिखते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो बेसिकली हमें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है वैसे ही जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया। देन आपको जेड मैक्स निकालना है कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढ, ठीक है। तो बाद वाला काम वही करना है, सेम हर एक क्वेश्चन में मैं आपको इक्वेशंस बनानी जो मेन पार्ट है वो समझा रही हूँ, ओके। सो फोर्थ क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज। अब 2 तरीके के स्क्रूज बनाते हैं, ए एंड बी, ठीक है। अब 2 तरीके के स्क्रूज हैं तो हम पहले लिख लेते हैं कि एक ए स्क्रू है, एक बी स्क्रू है। Then each type of screw requires the use of 2 machines. 2 machines का use करते हैं, हर एक screw automatic है, एक machine hand operated है, ठीक है। अब जो aspect दे रखे हैं वो 2 दे रखे हैं, एक automatic, एक hand operated. अब timing दे रखी है, it takes 4 minutes on automatic and 6 minutes on hand operated to manufacture a package of screw A. ए स्क्रू के लिए 4 मिनट ऑटोमेटिक, 6 मिनट हैंड ऑपरेटेड। तो यहाँ लिख देते हैं 4 मिनट ऑटोमेटिक, 6 मिनट हैंड ऑपरेटेड, ये ए स्क्रू के लिए हो रहा था। ऐसे ही व्हाइल इट टेक्स 6 मिनट्स ऑन ऑटोमेटिक एंड 3 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड टू मैन्युफैक्चर स्क्रू बी, तो बी स्क्रू के लिए 6 मिनट ऑटोमेटिक, 3 मिनट हैंड ऑपरेटेड, ये बी स्क्रू के लिए चल रहा था। देन द मैन्युफैक्चर, ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर द एटमोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे। हर मशीन जो है वो ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे ही अवेलेबल है, तो यानी कि इसका भी एटमोस्ट 4 आवर है ऑटोमेटिक का, हैंड ऑपरेटेड का भी 4 आवर है, ओके। द मैन्युफैक्चर कैन सेल अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट प्रॉफिट ऑफ ₹7 एंड स्क्रू बी एट प्रॉफिट ऑफ ₹10। तो वही है, प्रॉफिट की बात करें तो ए 7 रुपीज के प्रॉफिट में बेचता है, बी 10 रुपीज के प्रॉफिट में बेचता है।
आपको बताना है, assuming that he can sell all the screws he manufacture, how many packages of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize the profit? Profit maximize करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? Profit के हिसाब से अपना objective बनाना पड़ेगा, तो वही करेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से देखो, इधर जो है आपको मिनट्स में दे रखा है और लिमिट आपको आवर्स में दे रखी है। जैसे हमें उधर ग्राम्स और केजीज वाला दे रखा था तो हमने ग्राम्स में कन्वर्ट किया था, तो आप एक जैसी ही यूनिट रखेंगे, अलग अलग नहीं रखेंगे। यहाँ पे 4 मिनट 6 मिनट है तो यहाँ पे 4 आवर है, तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 4 × 60 यानी 240 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात आई थी कि ए और बी स्क्रूज बनाने हैं, तो नंबर ऑफ स्क्रूज ए अगर एक्स है, नंबर ऑफ स्क्रूज बी अगर वाई है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होगा? जेड मैक्स हमने निकालना है। तो देखिए, प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 7, और नंबर ऑफ स्क्रू ए कितने हैं? एक्स, तो 7x हो जाएगा। इधर एक पे अगर 10 रुपीज प्रॉफिट बनता है, वाई पे 10y बनेगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट करना है तो 7x प्लस 10y हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। कंस्ट्रेंट की बात करें तो पहले हम ऑटोमेटिक का कंस्ट्रेंट देखते हैं। देखिए, 4 × x प्लस 6 × y, एटमोस्ट के लिए क्या यूज करते हैं? लेस देन इक्वल टू, और क्या है? 240 मिनट। तो 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 240, ये हमारा ऑटोमेटिक मशीन का कंस्ट्रेंट है। ऐसे हैंड ऑपरेटेड का देखिए, हैंड ऑपरेटेड में 6 मिनट यानी 6x, 3 मिनट यानी 3y, एटमोस्ट के लिए लेस देन इक्वल टू 4 आवर। सो आपके पास 6x प्लस 3y लेस देन 4 आवर को हम मिनट में लिखेंगे तो 240 मिनट। ये किसका है? हैंड ऑपरेटेड मशीन का कंस्ट्रेंट है। और तीसरी इक्वेशन जो हम अपने आप से लिखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है। तो इतना आपका मेन था। इसके बाद आपने ग्राफ बना के जेड मैक्स निकालना है। ग्राफ किसका बनाएंगे? ये इक्वेशन का और ये इक्वेशन का, और जेड मैक्स आपको यहाँ पे दे रखा है। कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करके इस जेड मैक्स पे वैल्यू डालोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए, आप सभी क्वेश्चंस देखेंगे एक जैसे ही हैं, अलग अलग सिचुएशंस दे रखी हैं, वही काम हम कर रहे हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, अगेन बोलूंगी बहुत स्कोरिंग एक्सरसाइज है। अ कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स पेडेस्टल लैंप्स एंड वुडन शीट्स, ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड अ स्प्रेयर। अब देखो, पेडेस्टल लैंप्स बनानी है, वुडन शीट्स बनानी है, तो हमारी कैटेगरी क्या होगी? पेडेस्टल लैंप्स, वुडन शीट्स। और क्या एस्पेक्ट दे रखे हैं? ग्राइंडिंग या कटिंग मशीन एंड अ स्प्रेयर। तो हमारा ग्राइंडिंग कटिंग एक एस्पेक्ट है, एक स्प्रेयर एस्पेक्ट है। तो बाकी लिखते जाइए, 2 आवर्स ऑन ग्राइंडिंग कटिंग एंड 3 आवर्स ऑन स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ पेडेस्टल। पेडेस्टल के लिए 2 आवर्स ग्राइंडिंग कटिंग और 3 आवर्स स्प्रेयर, ये पेडेस्टल की स्पेसिफिकेशन है। देन इट टेक्स 1 आवर ऑन ग्राइंडिंग कटिंग एंड 2 आवर ऑन स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ शेड, तो वो भी इंफॉर्मेशन, 1 आवर ग्राइंडिंग कटिंग, 2 आवर स्प्रेयर, ये आपकी शेड की कंडीशन है। देन ऑन एनी डे द स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 20 आवर्स। स्प्रेयर जो है वो एटमोस्ट 20 आवर्स तक अवेलेबल है, तो स्प्रेयर की कंडीशन देखेंगे तो एटमोस्ट 20 आवर्स इसकी कंडीशन है। देन एंड ग्राइंडिंग कटिंग फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स, और जो ग्राइंडिंग कटिंग की कंडीशन है वो क्या है? एटमोस्ट 12 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं बता रही हूँ, हर क्वेश्चन में मिलती जुलती है सब इक्वेशंस जो है, फर्क क्या पड़ता है? कई बार हमें आगे पीछे दे रखा है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ग्राइंडिंग बोल रहे हैं फिर स्प्रेयर, बट जब अभी एटमोस्ट वाली कंडीशन थी तो उन्होंने पहले स्प्रेयर बोल दिया फिर ग्राइंडिंग बोल दिया, तो कई बार बच्चे ज्यूम करके चलते हैं कि उसी ऑर्डर में चल रहा है तो फटाफट में गलत लिख देते हैं। तो आपने गलती नहीं करनी, ध्यान से पढ़ना है कि किसका क्या दे रखा है, बस यही गलती हो सकती है, और इन क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। सो द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ लैम्प इज ₹5 एंड फ्रॉम द शेड इज ₹3। अब अगला एस्पेक्ट प्रॉफिट है, लैम्प पे ₹5 होता है, इस पे ₹3 होता है। आपको क्या पूछा है? अज्यूमिंग दैट द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ऑल द लैम्प्स एंड शेड दैट ही प्रोड्यूसेस, हाउ शुड ही शेड्यूल हिज डेली प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। यानी मैक्सिमाइज ही करना है प्रॉफिट, तो वही चीज है। देखो,
पेडेस्टियल लैंप्स, अगर हम मान लें नंबर ऑफ पेडेस्टियल लैंप्स एक्स है एंड नंबर ऑफ वुडन शेड्स हमारे पास वाई है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, जेड मैक्स निकालना है. प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा? अगर हमारे एक लैम्प पे हमें 5 रुपीज प्रॉफिट होता है, तो हमारे पास एक्स लैम्प्स हैं तो हमारे पास 5x प्रॉफिट होगा, प्लस एक वुडन शेड पे हमें 3 रुपीज प्रॉफिट होता है तो हमारे पास वाई वुडन शेड्स है तो हमारे पास 3y प्रॉफिट होगा. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा. दूसरा आता है हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट क्या लगा रखे हैं? देखो पहले ग्राइंडिंग कटिंग का कंस्ट्रेंट देखते हैं. 2 x प्लस 1 y एटमोस्ट के लिए लेस देन इक्वल टू 12 r. तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, ये ग्राइंडिंग का कंस्ट्रेंट है. स्प्रेयर का कंस्ट्रेंट देखिए, 3 x प्लस 2 y एटमोस्ट के लिए लेस देन इक्वल टू 20 r, यानी 3x प्लस 2 y लेस देन इक्वल टू 20. ये हमारा स्प्रेयर का कंस्ट्रेंट है. और तीसरा कंस्ट्रेंट कि x भी नेगेटिव नहीं हो सकता एंड y भी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो ये आपका कंस्ट्रेंट. तो इसके बाद आपने इसकी इक्वेशन बना देनी है, इसकी भी इक्वेशन बना के पॉइंट्स निकालेंगे, ग्राफ प्लॉट करना है, जेड मैक्स निकालना है, वही सेम चीज. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन. अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 types ऑफ नोवेल्टी सोवेनियर्स मेड अप ऑफ प्लाईवुड. अब सोवेनियर्स हैं 2 तरीके के, सोवेनियर ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी चल रहा है. तो पहले हम कैटेगरी लिख लेते हैं. सोवेनियर्स की कैटेगरी चल रही है ए टाइप बी टाइप. अब एस्पेक्ट क्या है? टाइप ए रिक्वायर्स 5 मिनट ईच फॉर कटिंग एंड 10 मिनट फॉर असेंबलिंग. यानी हमारे एस्पेक्ट क्या चल रहे हैं? कटिंग एंड असेंबलिंग. 5 मिनट फॉर कटिंग चल रहा है और 10 मिनट फॉर असेंबलिंग चल रहा है ए का. दूसरा आपके पास टाइप बी रिक्वायर्स 8 मिनट फॉर कटिंग एंड 8 मिनट फॉर असेंबलिंग. जो बी टाइप है वो 8 मिनट कटिंग 8 मिनट असेंबलिंग चल रही है. देन देर आर 3 hours 20 मिनट फॉर कटिंग एंड 4 hours फॉर असेंबलिंग. अवेलेबल है इतना टाइम, मतलब इतना ही टाइम हमारे पास है. सो अगर हम 3 hours 20 मिनट एटमोस्ट हम कटिंग को दे सकते हैं और 4 hours एटमोस्ट हम असेंबलिंग को दे सकते हैं. ठीक है, प्रॉफिट 5 rupees टाइप ए पे है, 6 rupees टाइप बी पे है. सो हम यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे, 5 rupees टाइप ए, 6 rupees टाइप बी पे प्रॉफिट है. पूछा क्या है आपको? वही, हाउ मेनी सोवेनियर्स कैन बी मेड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, जेड मैक्स निकालना है. ठीक है, तो पहले सोवेनियर टाइप ए का अगर एक्स है एंड टाइप बी का अगर वाई है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? अगर हमें जेड मैक्स निकालना है, एक पे अगर हमें 5 rupees का प्रॉफिट मिल रहा है तो हमारे पास एक्स है ए के, तो 5x हो जाएगा, प्लस एक पे अगर हमें 6 rupees का प्रॉफिट मिल रहा है तो ये वाई है, तो क्या हो जाएगा? 6y, या आपका z max आ गया. कंस्ट्रेंट क्या होंगे? सबसे पहले कटिंग का कंस्ट्रेंट देख लेते हैं. 5x प्लस 8y एटमोस्ट के लिए लेस देन इक्वल टू, अब इधर ध्यान रखो 3 hours 20 मिनट है, तो 3 hours को पहले मिनट में कन्वर्ट करो क्योंकि इधर मिनट चल रहा है. तो 3 x 60 180 180 प्लस 20 मिनट तो आपके पास 200 मिनट्स आ जाएंगे. ठीक है, दूसरा आपके पास क्या आएगा? असेंबलिंग का कंस्ट्रेंट, 10 x प्लस 8 y एटमोस्ट के लिए लेस देन इक्वल टू 4 hours. 4 hours को मिनट में कन्वर्ट कर लेना तो 10x प्लस 8 y, 4 hours के लिए आप क्या लिखेंगे? 240 मिनट, क्योंकि 4 x 60 240 मिनट. ये असेंबलिंग का कंस्ट्रेंट हो गया. और तीसरा कंस्ट्रेंट जो आप खुद लिख सकते हैं. ठीक है, सो आपने इसके बाद इस इक्वेशन को इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, इसको भी इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, पॉइंट्स निकालने हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे, जेड मैक्स निकालेंगे, मतलब जो आप फर्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं वो यहाँ पे करेंगे. ठीक है, अब इसके बाद देखें एट्थ क्वेश्चन जो है वो आप खुद करेंगे. नाइन्थ क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है, इसको काट देना. टेंथ क्वेश्चन भी आपका डिलीट हो चुका है. एक इलेवेंथ क्वेश्चन, ये MCQ है, ये आपने करना है. नहीं होगा तो आपने अगले लेक्चर में मुझसे जरूर पूछना है. ठीक है, तो आज के ये फर्स्ट जो सेकंड एक्सरसाइज है ये आपकी कंप्लीट हो जाती है. 11th क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन. जो क्वेश्चन कैंसिल किए हैं वो प्लीज ध्यान से देख लेना, क्योंकि वो अनबाउंडेड रीजन है, वो आपके इसमें इंक्लूडेड नहीं है. तो बहुत ही आसान बना दिया ये चैप्टर, अब आपके लिए कुछ खास है नहीं. एंड मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत स्कोरिंग है तो अच्छे से कर लेना, अभी डिसम्बर एग्जाम्स के लिए भी, फाइनल्स के लिए तो है ही है.
ठीक है। सो अभी जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, जितना मैंने किया है, प्लीज इतना ही करके मत छोड़ देना, बिकॉज जितने आप आगे ग्राफ बनाएंगे, हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन करके दिखाया है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपने हर एक क्वेश्चन को आगे, ये पूरा पार्ट जो है आपने आगे करना है। एंड किसी क्वेश्चन में आपको शेडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है या आपको मैक्स नहीं पता चल रहा कि कैसे निकालना है, तो उस चीज को पूछो, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं ना, आपको ऐसे लग रहा है ग्राफ ही तो बनाना है, बट जब आप करेंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी जहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जहां पे आप गलती कर सकते हो। सो उसको क्रॉस चेक जरूर करना है। और हो सकता है कई बार आपके एनसीईआरटी के साथ आंसर्स ना मैच करें इस चैप्टर के, वो इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पे पॉइंट्स की बात आ रही है, कोई किस तरीके का इज्यूम करता है, कोई किस तरीके से। सो एनसीईआरटी से आंसर नहीं मैच कर सकते, इसीलिए बोल रही हूँ किसी में भी डाउट होगा तो मुझसे पूछना कि क्या ये सही है या नहीं, ठीक है। सो आज के लिए आपने इतना ही करना है, सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और प्लीज ग्राफ बनाना, बिना ग्राफ के मत करना, ठीक है। सो आज के